नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन बटन को ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से। करते हैं एक नई ड्रग की जिसका नाम है नाइट्रोफ्यूरोंटाइन, इसको हम एनएफटी के नाम से भी जानते हैं, जिसका यूज़ हम यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं नाइट्रोफ्यूरोंटाइन के बारे में। जी दोस्तों, हम बात करते हैं नाइट्रोफ्यूरोंटाइन। जो नाइट्रोफ्यूरोंटाइन है वो एक टाइप की एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए करते हैं। इससे मोस्टली ब्लैडर इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, इससे हम किडनी इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एनएफटी का जो फर्स्ट टाइम है वो 1953 में यूज़ किया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था, और ये मोस्टली क्या होता है, ब्लैडर इन्फेक्शन को ही ट्रीट करता है, किडनी इन्फेक्शन को नहीं ट्रीट कर पाता है। ये ईकोलाई बैक्टीरिया जो होता है इसके अंगेस्ट वर्क करता है। बात करते हैं किस नाम से मार्केट में मिल जाती है, किन किन नामों से आती है, किन किन ब्रांड नेम से आती है। तो हमारा जो फर्स्ट ब्रांड है वो है मैक्रोबिट के नाम से भी आती है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। जो अगला हमारा नेक्स्ट ब्रांड है वो इजली से मार्केट में मिल जाता है, मार्टीफ्योर के नाम से भी आती है मार्केट में, जो इजली अवेलेबल है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और हमारा जो अगला ब्रांड है निफ्टाकोन के नाम से भी मार्केट में आती है, जो इजली आपको मिल जाएगी। और भी एक हमारा ब्रांड है नाइफ्यूरोन के नाम से भी मार्केट में आती है। ये तो थे इसके बाद। जी दोस्तों, हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो नाइट्रोफ्यूरोंटाइन जो है उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने के बाद टॉक्सिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो इंटरफेयर करता है एंजाइम्स डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन सिंथेसिस में, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। ये तो था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। जी, अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की। तो इसको हम ऑरली रूट से दे सकते हैं, मतलब इसको हम ऑरली दे सकते हैं। ये जो नाइट्रोफ्यूरोंटाइन है ये ऑरली दी जाती है, ऑरल रूट से दी जाती है। अब बात करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन की। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वेल एब्जॉर्ब्ड है, सेफ इन प्रेगनेंसी में सेफ है। इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 40% है, और इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, और ये एक्सक्रीशन इसका जो यूरिन के थ्रू होता है, और ये बैक्टीरियो एक स्टैटिक इफेक्ट शो करता है, ना कि बैक्टीरियोसाइडल। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ की, हम इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ अनकम्प्लिकेटेड यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक देखते रहिए।